हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम कक्षा पाँचवीं अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र संपूर्ण हल के साथ में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कक्षा पाँचवीं के प्रश्नों के साथ साथ में इसका उत्तर भी बताने वाली हूँ। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कक्षा पाँचवीं से वार्षिक परीक्षा संबंधित आपको सभी प्रकार की वीडियो मिल सके। ठीक है, वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए प्रश्न पत्र देखेंगे कक्षा पाँचवीं अंग्रेजी विषय का। इसके पहले मैंने कक्षा पाँचवीं के हिंदी, पर्यावरण अध्ययन और गणित विषय के भी प्रश्न पत्र अपलोड कर दिए हैं। आपने नहीं देखे, नीचे लिंक है, उन पर लिंक पर क्लिक कर लीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी, या फिर आप चैनल पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कुल प्रश्न संख्या 24 होगी और 60 अंक का पेपर आएगा, सेट ए हम देखने वाले हैं। ठीक है, रोल नंबर बिल्कुल इस प्रकार से भरना है, यहाँ शाला का नाम, परीक्षा दिनांक और परीक्षा केंद्र आ जाएगा आपको। यही उत्तर पुस्तिका बिल्कुल ऐसी ही मिलने वाली, इसको आपको स्कूल में भरकर जमा भी करना पड़ेगा। चलिए प्रश्नों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे, मतलब चार सही विकल्प आपको इसके दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक सही चूज करना है। ठीक है, तो पहला है द अपोजिट वर्ड ऑफ मदर, मदर का अपोजिट वर्ड हमें चूज करना है। तो मदर का अपोजिट वर्ड होगा फादर। ठीक है, माता का अपोजिट वर्ड होगा पिता, तो सही उत्तर होगा फादर, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या है प्रश्न क्रमांक दो, चूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड फॉर गिवन ब्लैंक, जो खाली स्थान है उसकी जगह पर आपको सही वर्ड चूज करना है। ठीक है, मंकी, मंकीज, मंकीज और मंकीज, इसमें अलग अलग है, अंतर सभी में बहुत डिफरेंट है, कुछ का अर्थ अलग है, कुछ का अर्थ अलग है। ठीक है, तो मंकीज का सही अर्थ है MONKEY S, वो है बी नंबर का सही उत्तर, बी नंबर का यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब राइमिंग वर्ड, मतलब जैसे कि कीप, स्लीप, डीप, प्रीप, पर्पल, अंत में आ रहा है उसको राइमिंग वर्ड कहते हैं, तुकांत शब्द। तो कीप के लिए हमें, कीप के साथ में जिसमें पी आ रहा होगा आखिरी में, वो आंसर होगा, तो एक ही में दिख रहा है वो है डीप, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीप, कीप, डीप, सही आ रहा है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक चार, वर्ड चेयर इज, चेयर शब्द इनमें से क्या है, चेयर आपके पास कितनी आप गिन सकते हैं, बिल्कुल जिसकी हम गिनती कर सकते हैं वह क्या होता है, काउंटेबल होता है, काउंटेबल यानी गिनती करना, तो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर। विच फेस्टिवल इज कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ लाइट, किस त्यौहार को रोशनी का पर्व कहा जाता है, उजाले का प्रतीक, वो है दिवाली। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान राम जो है वापस आए थे और यहाँ पर अयोध्या में लौटे थे, और इस कारण पूरे अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था, चारों उजाला। विच पंक्चुएशन वर्क विल बी यूज्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो, विराम चिन्हों का प्रयोग किस वाक्य में हुआ, यहाँ पर आपको बताना। ठीक है, किस विराम चिन्हों का प्रयोग होगा नीचे दिए गए वाक्य में, इस दिस अ काउ, हम प्रश्न करें क्या यह काउ है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक आएगा, हम किसी से पूछते हैं तो प्रश्न लगाते, तो क्वेश्चन मार्क इसमें सही हो। ठीक है, द स्लोगन जय जवान जय किसान इज गिवन बाय, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो ये दिया था यहाँ पर शास्त्री जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। चूज प्लूरल फॉर्म, यानी इसका बहुवचन चुनना है, तो मैन, माइस, वुमेन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है, तो ये सारे ही प्लूरल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जो अपने आप में एक बहुवचन है। द बर्ड वॉज हिट बाय, मतलब पक्षी को वॉज हिट बाय, किसके द्वारा घायल हुआ, एन एरो के द्वारा। महेश्वर इज फेमस फॉर, महेश्वर किसके लिए फेमस है, तो महेश्वर महेश्वरी साड़ीज के लिए फेमस है। ठीक है, वहीं के लिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक के आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर दीजिए तब तक, चैनल पे आए हो पहली बार तो सब्सक्राइब कर ले, और कक्षा पाँचवीं के अपने सभी दोस्तों को वीडियो भी भेज दीजिएगा। राइट टू थिंग्स विच हैव गॉड गिवन अस, दो चीज़ें जो भगवान ने दी है, बर्ड्स और ट्रीज। ठीक है, उसके बाद है राइट टू एनिमल एक्सेप्ट मंकी विच कैन क्लाइम ट्रीज, बंदरों को छोड़कर जो ऐसे जानवर जो पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वह स्क्वायरल और स्नेक, जो कि पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। इफ़ यू वर इन नरेंद्र प्लेस वुड यू हैव फेस्ड द मंकीज और रन अवे, यदि आप नरेंद्र के स्थान पर होते तो क्या बंदरों का सामना करते या भाग जाते। आई हैव फेस्ड द मंकीज, मतलब मैं भी मंकीयों का सामना करता, बंदरों का। वॉट आर द मेन थिंग्स नीडेड फॉर अ प्लांट टू ग्रो फ्रॉम अ सीड, एक बीज से पौधे को बनने के लिए कौन सी जरूरत की चीज़ें होती हैं, वो है सॉइल, वाटर एंड एयर, मिट्टी, जल और वायु, इसके बिना पौधे नहीं उगते। अतुल इज अ गुड बॉय, ठीक है, इन द अबव सेंटेंस इस वाक्य में व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज अतुल, जो अतुल है वो किस प्रकार की संज्ञा, तो ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, क्योंकि किसी का नाम क्या होता है, प्रॉपर नाउन होती है।
राइट, यानी थ्री फेस्टिवल्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के तीन त्यौहार लिखना है, दिवाली, रक्षाबंधन, होली, ठीक है, ये प्रमुख तीन त्यौहार हैं। और भी त्यौहार है, आप उनको भी लिख सकते हैं, नवरात्रि हो गया, ठीक है, ये त्यौहार भी आप इसमें लिख सकते हो, दशहरा हो गया। रीअरेंज द लेटर्स टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड, हमें सार्थक शब्द बनाना है तो हमें आगे पीछे वर्ड दिए, जैसे कि पहले ओ दे दिया, फिर एफ, फिर आर टी, तो सही वर्ड इससे बनेगा फोर्ट, क्या बनेगा फोर्ट, और ओ एच वाई एल से होली बनेगा सही वर्ड। आगे है विथ विच ऑनर वॉज शास्त्री जी अवॉर्डेड, शास्त्री जी को किस रत्न सम्मानित किया, कि भारत रत्न से अवॉर्ड उनका है। राइज द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ड ब्रिंग एंड टेक, ब्रिंग का पास्ट होगा ब्राउट, टेक का होगा टुक, सही उत्तर। इन विच मंथ वी सेलिब्रेट ईद, ईद किस महीने में सेलिब्रेट की जाती है, तो रमजान के महीने में मनाई जाती है। 21 से 24 आपके दीर्घोत्तरी प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 21 से, हुज साइड विल यू टेक, देवदत्त और सिद्धार्थ एंड वाई, देवदत्त या सिद्धार्थ में से आप किसका पक्ष लोगे और क्यों। वी विल टेक सिद्धार्थ साइड बिकॉज सिद्धार्थ वॉज द वन हु सेव्ड द बर्ड, हम सिद्धार्थ का पक्ष लेंगे क्योंकि सिद्धार्थ ने पक्षी की रक्षा की थी। ठीक है, हमें इनके अपोजिट वर्ड लिखना है, काउ का, ब्रदर का, कॉक का, बीच का। ठीक है, तो काउ का होगा बुल, ब्रदर का सिस्टर, कॉक का हैन, बीच का डॉग। ठीक है, ये इनके जो है विपरीत अर्थ वाले शब्द है, ये इनके समझ लीजिए विपरीत लिंग वाले हैं। चलिए 23वां प्रश्न है आपका, यूज अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स वेयर नेसेसरी, जहाँ आवश्यक हो वहाँ पर आपको विराम चिन्ह का प्रयोग करना। लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1964, ही गेव अ बेफ्टिंग रिप्लाई टू पाकिस्तान इन्वेशन ऑफ इंडिया 1965, हिज स्लोगन जय जवान जय किसान वर्कड वंडर्स ड्यूरिंग द वॉर। अब देखिए कहाँ कहाँ हम लगाएंगे, जय जवान जय किसान इनका नारा दिख रहा है ना बिल्कुल आपको ये वाला, तो हम इस नारे में जो है इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। 1965 के बाद में हम क्या करेंगे, पूर्ण विराम लगा देंगे, और पूर्ण विराम के बाद जो हमारा ही जा रहा है इसको हम एच बड़ा करके लिखेंगे, और 1964 यहाँ पर है उसके बाद भी हम पूर्ण विराम लगाएंगे, और उसके बाद जो एच आ रहा है उसको भी हम ही बड़ा कैपिटल कर लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सुधारना है, और वार के बाद में भी हम पूर्ण पुलिस स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, पुलिस स्टॉप हमको यहाँ पर लगाना है, हिंदी में जिसे हम पूर्ण विराम यूज़ करते हैं वैसा यहाँ पुलिस स्टॉप यूज़ होता है, तो ऐसे हम उसको बनाना है। प्राइम मिनिस्टर हमेशा बहुत बड़ा पद होता है प्रधानमंत्री का, इसलिए प्राइम मिनिस्टर को बड़े अक्षरों में हम लिखेंगे, इनका पहला वर्ड हम कैपिटल बनाएंगे। ठीक है, और नाम को भी हमेशा जो है बड़े कैपिटल में बनाया जाता है, नाम का पहला अक्षर, इनका सरनेम, और पूरा हम बड़े अक्षरों में लिखेंगे, तो ये चीज़ आपको सुधारना है। ठीक है, और जो नारा है जय जवान जय किसान, ये नारा भी बहुत स्लोगन बड़ा होता है, इसको भी हम बड़े रूप में लिखेंगे, यानी कैपिटल में पहले अक्षर इनके। चलिए 24वां प्रश्न है, पुट द गिवन वर्ड्स इन अप्रोप्रिएट रो, हमें क्या करना है, दिए गए शब्दों को पंक्ति में लगाना है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। प्रॉपर नाउन जैसे किसी का नाम, तो नाम इनमें छाट लीजिए, नाम है यहाँ पर रमेश, गीता, नरेंद्र और भोला। कॉमन नाउन जो हमेशा होती है, प्लांट, मैन और बुक। और प्रोनाउन जो जिसकी जगह पे हम नाउन की जगह पे जिसको यूज़ करते हैं, जैसे कि शी, इट, यू, और वर्ब जैसे आना, जाना, खाना, गो और राइट, ये चीज़ें हैं, तो इनको छाट कर आपको आंसर भी बता दिया गया। ठीक है, तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 5वीं अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र देखा, ये सभी प्रश्न आपको परीक्षा में पूछ जाएंगे। वीडियो को लाइक कर ले, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दे, कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों के साथ में। चैनल पर पहली बार आया सब्सक्राइब कर ले, गूगल पर सर्च करें airappindia.com, जहाँ पर PDF अवेलेबल है कक्षा 5वीं की सभी विषयों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, उसमें दी गई है। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।